रसिकांत अग्रेश्वरी में आपका स्वागत है। और देखिए इसमें विंटर चल रहा है तो देखिए सर्दी को दूर भगाइए, ऐसी एक रेसिपी लेके आई हूँ बनाने, आप देखिएगा उसमें मैंने कैसे बनाए, बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से है। और मैंने बहुत सारी अपनी रेसिपी डाल रखी हैं तो सारी मैं वेज रेसिपी ही डालती हूँ, जिसमें वेट लॉस है आपका, ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, सब रेसिपी हमारी पड़ी हैं, स्वीट डिश की भी पड़ी हैं। और प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए, देखा करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। तो चलिए आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ कि हमने रेसिपी कैसे बनाई है। गुड़ से बनाऊंगी, गुड़, तिल और ये सौंठ है, सौंठ पाउडर, सौंठ पाउडर जैसे मैं मार्केट से लाई थी ऐसे सौंठ पाउडर मार्केट में मिल जाता है, ये इस तरह लेके आई थी। और थोड़ा सा बादाम है और ये तिल है, वाइट तिल जो मैंने करीब 1.25 कप ले रखा है, और 250 ग्राम गुड़ ले रखा है, और 2 बड़े चम्मच ही मैंने सौंठ पाउडर ले रखा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, अपने इस तिल को इस पेन में डालकर और इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे कच्चा रहेगा, और रोस्ट करके इसको थोड़ा सा पीस लेंगे दरदरा सा। तो इसके साथ ही जैसे पीस लेती हूँ इसको, और बादाम को बाद में करूँगी क्योंकि उसको घी में पीक करूँगी, उसको ऐसे ही करूँगी, ड्राई ड्राई रोस्ट करूँगी। ये देखिए तिल को हम धीरे धीरे रोस्ट करेंगे, जिसमें अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, तो फिर इसको प्लेट में निकाल के इसको दरदरा पीस लेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको 5 मिनट हार्डली लगता है, बहुत स्लो गैस पे करिए। ये देखिए भुन गया ये, और खुशबू अच्छी सी आने लगी इसमें तिल की, और इसको हम निकाल लेते हैं इसको। ये देखिए तिल मैंने बाहर निकाल लिए हैं, ये इसके देखिए को थोड़ा ठंडा करते हैं इसको। और इसमें गैस मैंने ऑन कर दिया है, और इसमें थोड़ा सा देसी घी डाल देंगे, ये थोड़ा सा डालते हैं, और इस बादाम को थोड़ा सा रोस्ट करते हैं, जिससे ये भी तिल के साथ अच्छे से पिस जाएगा। तो बहुत ही हेल्दी हमारी विंटर स्पेशल स्वीट डिश बन जाएगी, जो आपकी सर्दी को दूर भगाएगी। तो देखिए इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, और घर के सामान से ही सब बन जाता है, जो घर में सभी कुछ रहता है ये, तो आराम से बन जाता है, ज़्यादा ना मेहनत है ना ज़्यादा इसमें खर्चा है। ये देखिए धीरे धीरे बादाम को रोस्ट कर लेते हैं, ये देखिए ये भुन गया है हमारा, बस थोड़ा सा रोस्ट करना था, थोड़ा अच्छा सा इसमें टेस्ट आने लगता है। अब इसको और तिल को मिलाकर थोड़ा ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए मैंने तिल को और बादाम को देखिए, ये देखिए इसको थोड़ा ग्राइंड कर लिया, ये देखिए थोड़ा दरदरा ही रखा है इसको। अब मैंने वही पेन ले लिया जिसमें मैंने बादाम को भुना था, और इसमें मैं 2 चम्मच देखिए देसी घी डाल दूँगी, देसी घी में ही डालिएगा, उसी में ही ज़्यादा ये टेस्टी बनता है। ये देखिए और ये थोड़ा सा गर्म हो गया है, अब मैं अपना गुड़ है, पानी नहीं डालना है, गुड़ इसमें मेल्ट हो जाएगा, और गैस को धीरे धीरे रखिए, और इसमें धीरे धीरे गुड़ को मेल्ट करिए। ये देखिए धीरे धीरे इसमें ये मेल्ट हो, ये देखिए धीरे धीरे गुड़ हमारा मेल्ट हो रहा है, ये बिना पानी के ही घी डालिए उसमें मेल्ट हो जाता है गुड़, इसमें ज़रूरत नहीं है पानी डालने के लिए। और अभी इसको और चलाऊँगी, ये देखिए गुड़ मेल्ट हो गया, ये इसी स्टेज पे मैं इसमें जो मैंने सौंठ पाउडर रखा था वो डाल दूँगी इसमें। ये देखिए ये हो गया, इसमें मैं ये अपना ये नया जो मैंने पीस के रखा था तेल इसमें मिक्स कर देते हैं। ये देखिए इसमें मैंने तेल भी मिक्स कर दिया, ये देखिए, और इसमें देसी घी थोड़ा सा 2 चम्मच देसी घी डाल देते हैं, ये इसको डाल के उसको मिक्स करके प्लेट में इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए सब प्लेट में निकाल लिया है, और इसके छोटे छोटे इस तरह से छोटे छोटे लड्डू बना के रख लेते हैं। बहुत ही विंटर में एक लड्डू आप खा लेंगे ना तो आपके बहुत एनर्जी आ जाएगी, 1 कप दूध पीजिए और साथ में 1 लड्डू, ये देखिए, और ना बने देखिए थोड़ा सा देसी घी डाल दिया इसमें, और इस तरह से छोटे छोटे लड्डू बना लिए। तिल गुड़ सौंठ के ये झटपट बनने वाले लड्डू हैं, बहुत ही पसंद आएंगे, और स्वीट डिश भी है ये, खाने के बाद भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है, आपकी जब इच्छा हो तो आप इसको खा सकते हैं। इसको तरह से सारे मैं अपने बना के रख लेती हूँ, ये देखिए, ये देखिए मैंने सारे लड्डू बना लिए हैं, देखिए बहुत ही टेस्टी बने हुए हैं, और इसको ज़रूर विंटर में बनाइएगा, और जाड़े के लिए ये हैं, सर्दी दूर भगाए,
और बहुत ही हेल्दी बने हैं, बहुत ही डिलीशियस और हेल्दी हैं। तिल और गुड़ दोनों ही गर्म होता है और साथ में बादाम, तो ये आपको बहुत ही मज़ा देगा ये लड्डू। तो चलिए इसको, इस पर थोड़ा सा पिस्ता लगा देते हैं और इसको सर्व करते हैं। देखिए लड्डू बना लिया है मैंने, तिल गुड़ सौंठ के लड्डू। ये पिस्ते को थोड़ा सा क्रिस्प कर दिया एकदम, तो इस पिस्ते को इसके ऊपर इसे थोड़ा से डाल देती हूँ। ये देखिए इसमें थोड़ा सा लपेट दूँगी बिल्कुल क्रिस्प करके। बहुत ही टेस्टी लड्डू बने, एक बार ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए इस तरह से हम इसके ऊपर पिस्ता सारा लगा देंगे। ये देखिए कितने बढ़िया लड्डू बने, ये देखिए, ये देखिए। तोड़ के भी दिखाऊं तो ये देखिए कितने सॉफ्ट बने, ये देखिए कितने सॉफ्ट है ना, ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं। तो तिल गुड़ और सौंठ के लड्डू बहुत ही विंटर स्पेशल लड्डू हैं, बहुत ही अच्छे बने हुए। चलिए इसको प्लेट में सर्व करते हैं। ये देखिए ये सौंठ गुड़ और तिल के लड्डू बिल्कुल बढ़िया तैयार हैं, देखिए कितने अच्छे बने हुए हैं। और ऐसे आप भी बनाइएगा और देखिएगा कि बनाकर ये कितने टेस्टी होते हैं लड्डू। और देखिए ये देखिए आपको पास से भी दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। इसको ज़रूर बनाइएगा और पसंद आए तो लाइक करें और किया तो सब्सक्राइब भी करें और वे बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो हमारा शीघ्र ही पहुँच जाए। और अगली वीडियो का वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।